Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 4 by Brain Root series. And here's a book, Science Spark. Today we are going to start with the very first chapter of this book, and the name of the chapter is Nutrition and Food. So yes, we are going to learn about different nutritions and food items. In this chapter, we are going to learn about what does food contain. Food में क्या-क्या चीजें होती हैं. About balanced diet. We will also learn about food preservation. कैसे हम उसे preserve करके रखना चाहिए. And healthy eating habits. क्या-क्या healthy eating habits होती हैं. So let's start the chapter with the warm up. Here is an exercise, children. You have to do this first. So what you have to do? You have to see the pictures of some food stuff. यहाँ पे कुछ खाने के आइटम्स की पिक्चर दी गई है. राइट देयर नेम इन द सूटेबल कॉलम ऑफ द टेबल. सो इनके नाम हमें जो टेबल दी गई है उसके कुछ कॉलम्स में लिखना है. वन इज डन फॉर यू. सो पहला देखिए, टमेटो, कैरेट, एप्पल, ककम्बर, चिकन, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, अनियन, पोटैटो एंड राइस. सो दीज आर सम फूड आइटम्स. अब आपको क्या करना है, इन्हें अलग अलग कॉलम्स में लिखना है. जैसे ईट इन रॉ, किन चीज़ों को इनमें से हम कच्चा खाते हैं, रॉ मीन्स कच्चा खाते हैं. ईटन कुक्ड, पका के खाते हैं. ईटन रॉ एज वेल कुक्ड मीन्स कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं. तो पहला है टमाटो. टमाटो हम पका के भी खाते हैं और कच्चा भी खा लेते हैं. सो वी आर गोइंग टू राइट हियर टमाटो. सिमिलरली नेक्स्ट इज कैरेट. कैरेट को हम पका के भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं. सो लेट्स राइट इट हियर. Next is apple. Apple is eaten raw. Next comes cucumber. Cucumber is eaten raw. So let's write it here. So children, like this you have to fill in the blanks with the given pictures. What does food contain? Food में क्या-क्या चीजें होती हैं? क्या-क्या चीजों को food contain करता है? So food is the basic need for our survival. हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें क्या चाहिए? Food चाहिए. The food that we eat contains useful substances that make us strong and healthy. So जो food हम खाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा useful चीज़ें होती हैं जो हमें शक्तिशाली बनाते हैं, strong बनाते हैं और healthy बनाते हैं. These substances are called nutrients. और ऐसे substances को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम nutrients बोलते हैं. Nutrients have the following functions. Nutrients के कुछ functions होते हैं. क्या-क्या हैं? Let's see. They give us energy to do work. ये हमें ताकत देते हैं काम को करने की. अगर मुझे board पे लिखना है तो मुझे हाथ उठाना पड़ेगा, board तक पहुंचना पड़ेगा और फिर वहां जाके लिखना होगा. और अगर मेरे अंदर energy नहीं होगी तो ना मैं हाथ उठा पाऊंगी और ना मैं बोर्ड पे लिख पाऊंगी. सो न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं? हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम अपने काम को इजीली कर पाए. दे आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. हमें बड़ा होने में हेल्प करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स. दे हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. ये हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर करते हैं, कहीं चोट लग जाए तो उसे ठीक करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं. फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी. जो फिजिकल वर्क होता है ना उसको और भी ज़्यादा ताकत और एनर्जी की ज़रूरत होती है. डिफरेंट फूड आइटम्स सच आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. तो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिनमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे. द मेन न्यूट्रिएंट्स आर, अब कौन कौन से हैं मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमें खाने में मिलते हैं? हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे खाने में हमें ज़रूर मिलती है. बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स. जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हम थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं. इनको थ्री डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. तो पहला आता है फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड की अब हम यहाँ पर बात करेंगे. क्या होता है फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स का, किस काम आता है ये? सो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर आर द टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स.
तो स्टार्च और जो शुगर होते हैं ये दो तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम खाने में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी, ये हमें ताकत देते हैं काम को करने के लिए। फार्मर्स, स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी। सो जो फार्मर्स होते हैं, जिन्हें हम किसान भी कहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा ताकत होती है क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, फार्मिंग करनी होती है, बड़े बड़े खेतों का ध्यान रखना होता है। स्पोर्ट्स पर्सन भी ऐसे ही बहुत मेहनत का काम करते हैं, तो उन्हें भी क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर अमाउंट में चाहिए। और जो दूसरे लोग जो मजदूरी करते हैं, जो फिजिकल वर्कआउट करते हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है, तो इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में खाना चाहिए। हेंस फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इसीलिए वो फूड आइटम्स जिसमें ज़्यादा अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ऐसे फूड आइटम्स को हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या है सोर्सेज, मीन्स कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। सो सीरियल्स हो गए, जैसे कि आपके जो सीरियल्स होते हैं वो ब्रेड हो गया, पोटैटो, बनाना एंड स्वीट्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है चिल्ड्रेन, इन सब में आपको भरपूर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगी, आपको ये खाने चाहिए। सो ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट कम्स फूड रिच इन फैट्स। अब कैसे, कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो फैट में भरपूर होते हैं, क्या फंक्शन होता है फैट्स का, लेट्स रीड हियर। सो लेट्स कम टू द फंक्शंस। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है। वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट्स देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमें क्या है, ज़्यादा ताकत मिलती है फैट से कंपेयर करने पे, जब हम कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो हमें फैट से ज़्यादा ताकत मिलती है। फैट्स हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, फैट हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। एंड द सोर्सेज आर ऑयल, बटर, घी, मीट एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। तो ये जो ऑयल होता है, जो हम बटर खाते हैं, घी खाते हैं, मीट या फिर नट्स खाते हैं, आप देखते हो ना सर्दियों में हम ये इनसे बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बॉडी को वार्म रखती हैं, गर्म रखती हैं। इसलिए हमें सर्दियों में आप देखते होगे कि ऑयली खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, या हम नट्स, ग्राउंड नट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स। नेक्स्ट कम्स फूड रिच इन प्रोटीन। अब प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से हैं, क्या फंक्शंस हैं, लेट्स सी। सो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे को बढ़ाने के लिए, हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए, ब्रेन को डेवलप करने के लिए, और नए सेल्स को फॉर्म करने के लिए, नए सेल्स को बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एंड ऑल्सो टू रिपेयर द ओल्ड सेल्स। हमारे जो पुराने सेल्स हैं बॉडी में, हमारे बहुत सारे पुराने सेल्स होते हैं, तो उनमें जैसे मान लीजिए कहीं चोट वोट लग जाए, तो वो ठीक कैसे होती है, प्रोटीन की वजह से ठीक होती है। तो अगर आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन है तो आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी, वो चोट जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। सो दे रिपेयर द ओल्ड सेल्स ऑल्सो, दे फॉर्म द न्यू सेल्स एंड रिपेयर द ओल्ड सेल्स। हेंस फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। सो इसीलिए जो फूड आइटम्स हैं जिसमें जो भरपूर अमाउंट में प्रोटीन होता है, इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। नाउ द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर एग, मीट, चीज, फिश एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है, ये सब जो प्रोटीन से भरी हुई होती है। आप देख सकते हो ये है सोर्सेस प्रोटीन के। चिल्ड्रन डू यू नो दैट कश्मीर फंग डिस्कवर्ड विटामिन्स एंड द डिजीजेस कॉज बाय द डिफिशियंसी। आपको पता है कश्मीर फंग ने जो है क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने विटामिन्स को डिस्कवर किया था, और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं विटामिन की कमी से, उन सब चीज़ों को डिस्कवर इन्होंने किया था। नाउ नेक्स्ट कम्स फूड रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो ऐसे फूड आइटम्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो विटामिन्स और मिनरल्स में भरपूर हैं। सो क्या है, पहले तो फंक्शन पढ़ते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स के क्या क्या फंक्शंस है, ये हमारी बॉडी के लिए किस तरीके से ज़रूरी हैं। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज, अगर कोई बीमारी है उससे लड़ने में ये हमारी हेल्प करते हैं।
एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक और हमें बीमार होने से बचाते हैं. सो इसलिए हमें विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए. हेंस फूड आइटम्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. ऐसे फूड आइटम्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. मिनरल्स आर नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. जो ये मिनरल्स होते हैं ये हमारी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे टीथ को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होते हैं. एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को बनाने के लिए भी मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द टाइप्स, किस किस तरीके के विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलते हैं. सो आप देख सकते हो विटामिन्स जो है ए बी सी डी ई के, इन सारे टाइप्स के आपको विटामिन्स मिलते हैं जो हमारे डाइट में होने चाहिए. नेक्स्ट व्हेन वी कम टू मिनरल्स, जब हम मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन और आयरन, ये कुछ मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. चिल्ड्रेन डू यू नो दैट लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया. अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो एक बीमारी हो जाती है आपको जिसे हम अनीमिया कहते हैं. आपकी जो बॉडी जो स्किन है वो येल्लो दिखनी शुरू हो जाएगी. ईट स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एज दे आर रिच इन आयरन. सो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है लीफी वेजिटेबल्स को खाना चाहिए, जो हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं उन्हें खाना चाहिए, स्पिनच खाना चाहिए ताकि आयरन की कमी हमारे बॉडी में ना हो. Now let's talk about the sources of vitamins and minerals. So vitamins हमें fruits, vegetables, milk, meat, eggs से मिलता है. And minerals हमें milk, curd, almonds, apples, carrot और green leafy vegetable जैसे कि spinach हो गया. इन सब से हमें, spinach में सबसे ज़्यादा iron होता है, तो इन सब से हमें इन minerals मिलते हैं. So ये थे कुछ फ़ायदे vitamins और minerals के. Now let's move on to food rich in roughage. So some of the food we eat does not get digested completely. तो हम जो भी खाना खाते हैं ज़रूरी नहीं कि सारा ही ठीक से पच जाए, ठीक से वो डाइजेस्ट नहीं होता. सो ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रफेज या फिर डाइट्री फाइबर. ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो नहीं पचता है उसे हम रफेज या फिर डाइट्री फाइबर कहते हैं. नाउ क्या क्या फंक्शन है रफेज का. रफेज हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी. हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटीरियल है ना उसे रिमूव करने में रफेज काफ़ी हेल्प करता है. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ रफेज. सो वीट, ओट्स, कॉर्न, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेज. तो ये कुछ आइटम्स हैं जो रफेज जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा. Now let's, here you can see, these are the food items rich in vitamins. Now let's learn what is the importance of water, what is water. So along with food, water is needed for proper health of our body. तो हमारी body की proper health के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ खाना नहीं चाहिए, खाने के साथ हमें पानी भी चाहिए. We should drink plenty of water every day. रोज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पानी पीते रहना चाहिए. फंक्शंस क्या हैं वाटर के, वाटर हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में, पचाने में ये हेल्प करता है. थ्रोइंग आउट वेस्ट एंड मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी से जो गंदगी है, जो वेस्ट है, खाना खाने के बाद जो वेस्ट क्रिएट होता है उसे हमारी बॉडी से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है और हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है. मींस बॉडी का टेम्परेचर कब बढ़ जाता है, जब हम कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं या धूप से आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पानी पीते हैं ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुके, मेंटेन हो सके. नाउ लेट्स लर्न अबाउट बैलेंस डाइट. तो हमने पढ़ा बहुत सारे फूड आइटम्स के बारे में, उनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. सो द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट. हम जो भी खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डाइट कहते हैं. अ डाइट दैट हैज़ राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. अब ऐसा डाइट जिसमें हर चीज़ एक प्रॉपर अमाउंट में हो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं. अ बैलेंस डाइट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड रफेज एंड वाटर. जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसमें रफेज भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए. तो न्यूट्रिएंट्स तो होने चाहिए, उसके साथ ये दोनों कॉम्पोनेंट्स भी होने चाहिए.
तो आप देख सकते हो आपके सामने बैलेंस डाइट है, कौन कौन से फूड आइटम्स किस किस अमाउंट में होने चाहिए. एवरेज थिंग शुड बी इंक्लूडेड इन आवर बैलेंस डाइट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट फूड प्रिजर्वेशन. फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है. सो फूड प्रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड को मीन्स खाने को काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना ताकि वो खराब ना हो, इसी को ही हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. वी कैन प्रिजर्व फूड इन मैनी वेज. फूड को हम कई तरीकों से प्रिजर्व कर सकते हैं. और क्या है ये तरीके, पहला है रेफ्रिजरेशन. तो फ्रिज में रख के हम फूड को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं. अब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड कुक फूड कैन लास्ट फॉर अ फ्यू डेज इफ यू स्टोर देम इन रेफ्रिजरेटर. तो ये जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होता है, मिल्क होता है या फिर पका हुआ खाना होता है, इन सब चीज़ों को हम फ्रिज में अगर रखें तो थोड़े लंबे समय तक इन्हें हम सेफ रख सकते हैं. दूसरा तरीका है पिकलिंग, मीन्स अचार बना देना. सो कुछ चीज़ें जो हैं उसमें नमक मिला के ऑयल में डिप करके उसका अचार बना के रख दिया जाता है. मोस्ट पिकल्स आर मेड लाइक दिस. और ज़्यादातर जो अचार हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं. तो ये भी एक तरीका है जिससे हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, लंबे समय तक खा सकते हैं. थर्ड तरीका है ड्राइंग, किसी भी फूड आइटम को सुखा देना. सो कुछ फूड आइटम्स क्या हैं, उन्हें ड्राई कर दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक चल सके. अगर उसमें पानी रहेगा किसी भी खाने के अंदर तो क्या होगा, वो पानी उस खाने को सड़ा देगा. तो खाने को ड्राई कर दो, जैसे कि पीज हो गए, ग्रेप्स हो गए, चिली, पीचेस, ये सब जो फूड आइटम्स हैं इन्हें जो है अच्छे से सुखा दो. एंड कुछ स्पाइसेस भी हैं, इन्हें भी अगर हम सुखा दें तो हम काफ़ी लंबे समय तक इन्हें यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन इज कैनिंग एंड बॉटलिंग. कुछ फूड आइटम्स हैं जो आजकल हमें कैंस में मिलते हैं, बॉटल्स में बंद हो के मिलते हैं. सो वी एड प्रिजर्वेटिव्स टू सम फूड्स एंड देन स्टोर देम इन एयर टाइट कंटेनर. कुछ फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल के उन्हें जो है एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं और वो फूड आइटम्स प्रिजर्व हो जाते हैं. नेक्स्ट कम्स हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. तो चलिए पढ़ते हैं क्या है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हेल्प यू टू डाइजेस्ट ए फूड ईजिली. अगर हम प्रॉपर तरीके से खाने को खाते हैं, प्रॉपर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पच जाता है. गुड डाइजेशन रिजल्ट्स इन गुड ग्रोथ एंड हेल्दी बॉडी. अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी. यू मस्ट फॉलो दीज ईटिंग हैबिट्स. हमें क्या करना चाहिए, ये जो ईटिंग हैबिट्स दिए गए इन्हें फॉलो करना चाहिए. तो पहला क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट इज च्यू योर फूड वेल. खाने को अच्छे से चबा के खाएं. डू नॉट स्वालो इट इन हेस्ट. जल्दी जल्दी में उसे जल्दी जल्दी बस गटकना नहीं, उसे चबा चबा के खाएं. ईट अ बैलेंस डाइट. हमें जो खाना है वो बैलेंस डाइट के फॉर्म में खाना है, मीन्स हर चीज़ का एक प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए. थर्ड वन इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. काफ़ी सारा पानी पीना चाहिए. तो ये जो पॉइंट्स हैं इनका हमें ध्यान रखना है ताकि हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी रह सके. नाउ ये यू कैन सी बॉय ईटिंग फूड. बॉय कैसे खाना खा रहा है. नेक्स्ट कम्स टेस्ट योर स्किल्स. सो नेम द मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ईच गुड फूड आइटम्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए गए हैं, आपको क्या करना है इनके जो है प्रिजर्विंग मेथड लिखना है. जैसे ग्रेप्स को क्या किया जाता है, ड्राई करके यूज़ किया जाता है, रेजिन्स बना दिया जाता है. मैंगो को पिकलिंग, पिकल बना दिया जाता है, अचार बना दिया जाता है. इन्हें भी ड्राई करके आप जो है क्या कर सकते हो, उसका पाउडर बना सकते हो, जिसे आप अमचूर पाउडर कहते हो. सो ये कुछ तरीके हैं. इसके अलावा फिश और मीट को कैसे प्रिजर्व करते हैं, फाइंड इट आउट एंड राइट इट हियर. नेक्स्ट कम्स फ्लैश बैक. वट एवर वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रिवाइज इट हियर. सो फूड कैन बी क्लासिफाइड इन टू कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड अस एनर्जी. विटामिन एंड मिनरल हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. A diet that has right amount of all the nutrients is called balanced diet.
Preservation is a process by which we can make food last longer. Now let's move on to new words. So nutrients are substances which are present in our food and help in the growth of our body. Protective food kya hai? They are minerals and vitamins which protect us from diseases. Next comes preservation. Preservation is saving food from getting spoiled. Kharab hone se food ko bachana. So children, this was the chapter. Now let's move on to book exercise. So here A exercise is take the correct option. First question over here is starch is present in. Starch kis mein present hota hai? Beans mein, potato mein, orange mein ya fir egg mein? So the correct answer is potato. ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिच होता है कार्बोहाइड्रेट्स में और इसलिए इसमें स्टार्च काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. नाउ द सेकेंड वन इज रॉ कैरेट इज अ सोर्स ऑफ. रॉ मीन्स कच्चा जो कैरेट है वो किस चीज़ का सोर्स है? वाटर का, स्टार्च का, रफेज का या फिर प्रोटीन का? सो रॉ कैरेट हम एज अ रफेज यूज़ करते हैं, हम इसे सैलड में खाते हैं. सो ये रिच सोर्स है रफेज का. सो सिमिलरली चिल्ड्रेन यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 and 4 योरसेल्फ. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. Now here the first one is nutrients give us energy to do work. Now dash helps to keep the body warm. So कौन सी ऐसा चीज है जो हमारी body को warm रखता है? So fats. Fats help to keep the body warm. Now the next one, undigested part of the food is called, जो undigested part है food का उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं roughage. So these are the answers children, do question number 4 and 5 yourself. Now let's move on to write true or false for the following sentence, which is your C exercise. So food items rich in protein are called energy giving food. जो फूड आइटम्स प्रोटीन रिच होते हैं उन्हें क्या एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है? दिस इज फॉल्स. उसे क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड. नेक्स्ट, फैट हेल्प इन रिपेयरिंग द बॉडी. क्या फैट हमारी बॉडी सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं? नो, दिस इज फॉल्स. प्रोटीन हेल्प इन रिपेयरिंग द बॉडी. नेक्स्ट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. क्या हम विटामिन्स और मिनरल्स को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं? नो, दिस इज अगेन false here. So children, the rest of the questions are your homework. Do them yourself. Now children, let's move on to D part, which is answer the following questions. Here the first question is write any two functions of nutrients in our body. So the two functions of nutrient in our body are they give us energy and repair our body cells. Now, what are the main nutrients found in food items? So, the main nutrients found in food items are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Now, the third one is why are food items rich in carbohydrates called energy giving food? So, question ka matlab hai ki jo carbohydrate rich food hai, unhe hum energy giving food kyu kehte hai? So we call the food items rich in carbohydrates energy giving food because they give us energy to work and play. Now the fourth one is write two functions of fats. So fats give us more energy in comparison to carbohydrates and they keep our body warm. So these are the answers from 1 to 4. 5th to 9th question is your homework children, you have to do it yourself. And with this, we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.